दोस्तों यहाँ पर इस साइट पर एक टावर क्रेन है पोटेन की MC85-2C, तो वो टावर क्रेन अभी बाहर में ही लगी हुई है, तो उसको अब लगाना है लिफ्ट में। तो लिफ्ट में लगाने के लिए दोस्तों एक बार हम आपको ये भी बता दें कि ये हमारी साइट पर तो नहीं, जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर नहीं है, तो इसका हर एक जो चीज़ दिखाई जाती है वो वहाँ पर शायद ना दिखाई जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा काम उसका आपको दिखाया जाए। तो इसको लिफ्ट में लगाने की तैयारी है। तो ये क्रेन है वो MC85-2C पोटेन की, तो ये लगेगी लिफ्ट में, अब लिफ्ट के अंदर लगेगी, अभी ये बाहर में ही लगी हुई है। तो इसका क्या प्लान किया है इन्होंने, कैसे किया है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस तरह के फ्रेम हैं तो, और इस तरह के चैनल इसमें बनाए जाते हैं लिफ्ट के साइज़ के, थोड़े बाहर निकल जाएं, इस तरह के ये MS की प्लेट के चैनल, इसको आई बीम भी बोल देते हैं। तो इस तरह के आई बीम तैयार किए गए हैं, 4 बीम, यानी अभी हमने देखा है वहाँ पर साइट पर जाकर कि ये 2 जगह लगाए गए हैं, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं अभी। और ये फ्रेम हम नज़दीक से आपको दिखा देते हैं, इस तरह का फ्रेम है और इसको रेस्ट कराया जाता है आई बीम के ऊपर। और अभी हमने उसको साइड पर भी आपको जाके दिखाएंगे कि वो कैसे रेस्ट कराया है, क्योंकि ये लग भी चुके हैं और कितनी जगह लगेंगे वो हमें देखना है, क्योंकि हम इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि लिफ्ट में कैसे लगती है। इससे पहले हमने ये ऐसा काम नहीं देखा था कि कैसे होता है, तो इसीलिए हमने सोचा कि आपको भी ये दिखाया जाए। तो इस तरह से ये अब लिफ्ट में हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे, अभी हम लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं, यहाँ जीने से चढ़ के अभी जा रहे हैं, थोड़ा सा और ऊपर है, तो यहाँ से देखने में ऐसे लग रही है। तो अभी यहाँ से क्लियर दिखाई नहीं देगा, हम आपको थोड़ा ऊपर से दिखाएंगे कि किस तरह से लिफ्ट में इसके कटिंग किया गया है और चैनल को रखा गया है वहाँ पर, तो इसका प्रॉपर काम हम आपको दिखाते हैं। देखो लिफ्ट में ये पीछे से देखने में ऐसा लग रहा है, यहाँ पे ऐसे ये लेवल में रखी गई है और इसको लॉक भी किया गया है एक चैनल से, जिससे ये इधर उधर आगे पीछे ना खिसके, तो इसको लॉक भी किया गया है यहाँ पे। तो इस तरह से ये कटिंग करके आई बीम इसमें फंसाए गए हैं। और दूसरी तरफ लिफ्ट के हम दिखा देते हैं आपको, तो ये नीचे का हिस्सा है दोस्तों, जहाँ पर मेन बेस उसका लगेगा, ये वहाँ का हिस्सा है अभी। तो इसके ऊपर भी इन्होंने एक प्लान किया है, तो वो भी हम देखेंगे कैसे किया हुआ है। तो सामने से देखने में यहाँ पर एक पावर पैक भी रखा हुआ है, और अभी टावर क्रेन में जो पावर पैक है वो ऐसा का ऐसा ही है, उससे अलग है, यहाँ पर अलग पावर पैक रखा हुआ है ये। तो इस तरह से लॉक किया है इन्होंने यहाँ पर भी, और ये लगभग 20 mm की MS प्लेट से सब कुछ तैयार किया गया है। ऊपर का चैनल 20 mm का नहीं है मोटाई का, ऊपर का थोड़ा थिकनेस कम है, ये लेकिन लगभग 20 mm की थिकनेस का है जो तैयार किया गया है आई बीम। और इसके ऊपर इन्होंने कैसे रेस्ट कराए वो आप ये देख सकते हैं, ये फ्रेम इन्होंने इस पर रेस्ट ऐसे कराया। तो इसमें बोल्ट लगे हैं, लेकिन उसके अलावा चैनल का हिस्सा दोनों आई बीम पर रेस्ट करता है, और बोल्ट भी दो चारों कॉर्नर पर लगते हैं, जिससे कि ये इधर उधर ना खिसके। इस तरह से ये इस पर रखा गया है, ऐसे ये रेस्ट कर रहा है इसमें। तो इसका जो भी जितना प्रोसेस होगा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम इस साइट पर काम नहीं करते हैं, तो इसलिए हो सकता है कि पूरा काम 1x1 ना दिखाया जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इसमें। तो इस तरह से, और इसका जो नीचे का जो सेक्शन है वो ऊपर के सेक्शन से थोड़ा हाइट में ज़्यादा है। और दोस्तों सेफ्टी के लिए इसमें 2 रोड ये भी रखी हुई है, बहुत मोटे सरिये की है। तो इस तरह से ये इन्होंने प्लान किया है, और इसके ऊपर भी एक फ्रेम सेट किया है, उसको भी हम दिखा देते हैं। अभी ये लगी नहीं है क्रेन, इस पर ऊपर लगी नहीं है, तो अभी इसके सेक्शन ही तैयार करें, अभी इसमें पिन भी नहीं है लगाए हैं पूरे। तो ये देखो इसकी लेंथ कुछ ज़्यादा होती है जो इसका, ये नीचे का सेक्शन है। इसका नाम क्या है वो सब, इन फ्रेम का नाम क्या है ये सब, हम नेक्स्ट वीडियो जो कम्प्लीट इसकी बनाएंगे तो उसमें आपको सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ों का पता हमें भी नहीं रहता है दोस्तों, हमें भी उनसे पता करना पड़ेगा जो यहाँ पर टावर क्रेन लगा रहे हैं। तो इस सब का हम आपको नाम भी बताएंगे। और ये इस तरह से इन्होंने प्लान किया है, इसका जो मेन सेक्शन है नीचे वो, और उसके ऊपर 3 सेक्शन, तो इसके बाद इन्होंने एक फ्रेम और प्लान किया है, तो इसको भी हम आपको दिखा देते हैं। नीचे से देखने में ये ऐसा लग रहा है, तो 3 सेक्शन प्लस एक मेन सेक्शन नीचे का, तो उसके ऊपर इन्होंने प्लान किया है। फिर ये यहाँ पर भी 2 आई बीम रखकर, और फिर इसके ऊपर एक फ्रेम रखा जाएगा। तो यहाँ पे हम ऊपर चल के ही दिखा देते हैं यहाँ पे, तो लिफ्ट के पीछे देखने में ये ऐसा है, बिल्कुल सेम ऐसे जैसे नीचे था। और लिफ्ट के आगे की तरफ भी हम देखते हैं कि क्या क्या है, क्योंकि पावर पैक तो वहाँ पर नीचे की तरफ ही रखा रहेगा, यहाँ पर पावर पैक आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है।
तो अभी छत में से होते हुए हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इन्होंने यहाँ पे क्या लगाया है अभी और कितना काम किया है, क्योंकि हम इस साइड पर तो अभी आए हैं, हम इस पे काम नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें पता नहीं है कि इसमें क्या प्लान किया है, कैसे काम किया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसका पूरा काम आपको दिखाएँ। तो कुछ और दोस्तों की मदद लेंगे, उनसे वीडियो भी बना कर रखेंगे कि कैसे काम हो रहा है, तो पूरी कोशिश रहेगी कि ये वीडियो आपको प्रॉपर दिखाई जाए। तो इस तरह से ये यहाँ पर भी सेम पोजीशन है और ये फ्रेम इन्होंने सेम सेट किया है जैसे नीचे था। तो आपको ये देखना चाहिए कि जैसे ये लॉक वाला जो हिस्सा है यही ऊपर रहता है, क्योंकि इसमें प्रेशर जैक लगता है, तो ये वाला हिस्सा ऊपर रहता है। तो सेम इसी तरह प्लान किया जैसे नीचे में था, और इसके ऊपर अब सेक्शन लगेंगे और फिर उस पर बूम को रख दिया जाएगा और टर्निंग टेबल वगैरह सब इसमें लग जाएगी, तो वो आपको प्रॉपर काम दिखाया जाएगा। तो दोस्तों ये पोटेन की MC85 2C टावर क्रेन है। अभी तक हमारे पास में टावर क्रेन जो हैं वो AC की ज़्यादा है हमारी साइड पर, तो वो बाहर में लगी हुई है, वो लिफ्ट में नहीं है, लेकिन ये पहली बार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिस्सा इसका फ्रेम में ऊपर रहता है, यहाँ पर आपका पावर पैक का प्रेशर जैक जो होता है वो लगता है। तो बहुत सारे दोस्तों के कमेंट ऐसे आते थे कि सिर्फ ACE की क्रेन की वीडियो दिखाते हो, किसी और की नहीं दिखाते, पोटेन की नहीं दिखाते। तो ये पोटेन की क्रेन है, हमें मिली है दूसरी साइड पर किसी पे, तो कोशिश पूरी है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ तक ये खुल के आ चुकी है, क्योंकि इसी में से खुल के सेक्शन इसमें लग रहे हैं, तो ये यहाँ तक डाउन करते हुए ले आए हैं, और इसको थोड़ा नज़दीक से हम आपको दिखाएँगे। तो यहाँ तक ये ले आए, तो सपोर्ट इन्होंने खोल दी है, और अब इससे ज़्यादा शायद ये नीचे नहीं जा पाएगी, और यहीं पे इसको डिसमेंटल किया जाएगा। और इन्होंने यहाँ पर इसको डिसमेंटल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसमें हमने देखा इन्होंने एक जुगाड़ लगाया है इसमें, ये इसके काउंटर वेट उतारने का। तो इसमें तीन काउंटर वेट छोटे हैं, तीन काउंटर वेट बड़े हैं, अलग टाइप के काउंटर वेट हैं कुछ। तो इस तरह से आप काउंटर वेट देख सकते हैं, इन्होंने एक ये यहाँ पे जुगाड़ खड़ा किया है, और उसमें चारों तरफ बिल्डिंग में बांध कर तब जाके पुल्ली की मदद से, और इसमें जो है ना होस्टिंग के रस्सा ही यूज़ किया है इसमें, और तभी उसको उतारना शुरू किया है इसमें काउंटर वेट को। तो यहीं पे खुलेगी ये, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे स्लैप आ जाती है नीचे, तो इसलिए ये नीचे नहीं जा पाएगी, और यहीं पर इनको खोलनी पड़ेगी ये, और यहीं से खुल के वहाँ पर लग जाएगी। तो हो सकता है एक से दो दिन के अंदर ये वीडियो हमारी कंप्लीट इसमें बन जाए, कि दो दिन में हो सकता है ये क्रेन वहाँ पर लग जाए। तो इस तरह आप देख सकते हैं नीचे से देखने में, इतना ये सेक्शन है मैन्युअली।